हाँ तो गाइज, आप लोगों को जैसा कि देखकर ही पता चल गया होगा, आज का जो हमारा वीडियो है वो टोटल बेस्ड है हम लोग कैसे कुछ गेम प्रिपेयर करें। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कुछ ऐसे गेम्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिससे हम लोग तो सीखेंगे ही, हमारे बच्चे भी उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आज बेस्ड है वैसे तो बच्चों के लिए ये वीडियो, लेकिन जब हम लोग भी उस पर वर्क करेंगे तो हम लोग भी उससे कुछ सीखेंगे गाइज। तो चलिए अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी कुछ गेम्स, ऐसे गेम्स हैं जो हम लोग बनाएंगे और उसको बच्चों के साथ खेलेंगे, या कोई बड़े हों या फ्रेंड्स हों जिनके साथ भी हम लोग खेलेंगे तो हम लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगा गाइज। बहुत अच्छे अच्छे गेम मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, बहुत अच्छे गेम हैं, यकीन मानिए गाइज। अगर ऐसे गेम्स आप लोग बनाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ खेलते हैं, या ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं इस टीचिंग वे से, या आप खुद एक मतलब चाइल्ड हैं या स्टूडेंट हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जो टेक्निक हम बता रहे हैं अगर आप इस टेक्निक से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप में चेंज आएगा गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो वर्क हो रहा होगा कि हमें अपनी इंग्लिश जो स्टार्ट करनी है, इंग्लिश की रीडिंग को बढ़ाने के लिए हम लोगों को कैसे रीड करना है, फोनिक साउंड्स गाइज। हम लोगों को फोनिक साउंड से ही अपनी रीडिंग में फ्लुएंसी लानी है। रीडिंग जब हम लोग ना फोनिक साउंड से रीडिंग करते हैं, एक तो हमें हर वर्ड का साउंड पता होता है, तो जब भी हमें पेपर, जैसे हम लोग बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो उन लोगों को क्या है कि कभी कभी होता है ऐसा कि मैम एक्सप्लेन तो करती हैं, बस बच्चे जो हैं कहीं दूसरा माइंड डाइवर्ट हो गया तो बात करने में या कुछ भी, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मैम ने क्या कहा। और अगर हम अपने बच्चे को इस तरह से फोनिक साउंड से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो वो खुद अपना पेपर भी पढ़ सकते हैं और खुद वो सॉल्व भी कर सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को फोनिक साउंड से अल्फाबेट्स पढ़ाने होंगे। हम लोग ए बी सी डी पढ़ाते हैं, ए बी सी डी, ए छोटा आ, मतलब ए से एप्पल, बी से बॉय, ऐसे नहीं पढ़ाना है। ए ए बी ब सी क डी ड, उनको फोनिक साउंड्स पढ़ाने हैं गाइस। फोनिक साउंड्स का स्पेशली मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें फुल ओनली फुल फोनिक साउंड्स ही होंगे। हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीडियो हो वो फोनिक साउंड से ही रिलेटेड हो, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपना बेस पहले मजबूत करें तब हम आगे बढ़ें गाइज। अब हम लोग अपना पहले बेस मजबूत कर लेंगे तब हम लोग आगे के चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक क्या हुई कि हम लोगों को आज से फोनिक साउंड से रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कुछ गेम्स बनाने हैं। देखिए, जब हम फोनिक साउंड्स उनको बता देंगे, हम उनके सामने पहले तो एक वर्ड की फोनिक साउंड बताएंगे, उसके बाद फिर दो वर्ड्स मिला के फोनिक साउंड्स बताएंगे। जैसे हम ए की बता दिए, ए ए होता है। अब एम की क्या होती है, ए की तो हमने बता दिया, ए ए ए। अब हम एम की भी बता चुके हैं, अगर हम ए बी सी डी पूरी ए बी सी डी बता चुके हैं अल्फाबेट उसको फोनिक साउंड्स, तो एम की भी पता है उसको, एम ऐसे ही गाइस। जब हम लोग एक साउंड की उनको बता देंगे फोनिक साउंड, पहले ए बी सी डी उनकी फोनिक साउंड से क्लियर करेंगे, फिर दो दो वर्ड्स मिला के उनको पढ़ना स्टार्ट करवाएंगे, वो पूरा वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कैसे फर्स्ट लेटर पढ़ाएं, फिर दो लेटर मिला के कैसे फोनिक साउंड से पढ़ाएं, तीन लेटर मिला के कैसे पढ़ाएं, सब मैं बताऊंगी। बट आज का हमारा बेस जो है, हम लोग कैसे कुछ गेम्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट हमारा है, देखिए ऐसे फन वे में हम उन लोगों की वोकैब, अपने बच्चों की वोकैब क्लियर कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स की क्लियर कर सकते हैं वोकैब। कुछ बच्चे होते हैं ना गाइस, वो पिक्चर देख के और बोलते हैं उसका नेम, तो ऐसे ही आप लोगों को नीचे पिक्चर्स बनानी हैं, ऊपर नाम लिखने हैं। देखिए, कुछ कार्ड्स की तरह हमने ये बनाया हुआ है, तो इसको
पहले वो फोनिक साउंड से ऊपर पढ़ेगा, उसके बाद नीचे उसकी पिक्चर है। ये सब इंजॉय करेंगे गाइस, ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे हम अपने स्कूल में भी, अपने कोचिंग्स में, या अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो बहुत इंजॉय लेके पढ़ेंगे गाइस, बोरिंग नहीं होगा। आजकल क्या है ना, हम सभी लोग चाहते हैं कुछ भी बोरिंग टाइप का देखना तो चाहते ही नहीं है कंटेंट, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोगों को अगर अपने बच्चों को भी पढ़ाना है तो हम लोग कुछ इंजॉय के साथ पढ़ाएं, तो वहाँ पे वो लोग कुछ क्रिएटिव बनते जाएंगे गाइस। ठीक है, फर्स्ट ऐसे हम लोगों को बनाना है। सेकंड देखिए, मैंने टू टू लेटर्स लिखे हैं, उसके बाद आपको पिक्चर लगा देनी है और ये उनको पूछना है बच्चों से। ये छोटे बच्चों का है एक्टिविटी कि क्या है, तो वो बताएंगे, वो अक्षर उनको फिल करना होगा, लेकिन फोनिक साउंड से ही ये करवाइएगा गाइस। या ऐसे जो प्लास्टिक के आते हैं अल्फ़ाबेट्स, ये उनको आप यहाँ पे रखवा सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे कौन सा अक्षर रखा जाएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो उनसे पहले फोनिक साउंड पूछिए, फिर ये यहाँ पे इनको कहिए कि यहाँ पे टैग करिए, लगाइए, ठीक है, फिर लिखवाइए। इन सब में देखिए, आप ये प्रिंटेड बना सकते हैं, आप अपना पहले हाथ से बना लीजिए किसी भी चार्ट पेपर पे। हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। चार्ट पेपर पे आपने ऐसे बना लिया, कोई आपके पास पुरानी बुक रखी हुई है बच्चों की, पिछले क्लास की जो पुरानी बुक्स होती हैं, या जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी ए बी सी डी की, तो 1 2 की बहुत सारी कुछ बुक्स ला के रख देते हैं, बच्चे फाड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो हमारा वेस्ट हो जाता है, तो हमें वो फेंकना नहीं है। उसमें से पिक्चर्स निकालिए, वो पिक्चर चार्ट पेपर पे टैग करते जाइए, चिपकाते जाइए, और ऐसे ये स्केच पेन से या मार्कर पेन से बनाइए। उसके बाद उसके ऊपर आप इसको आप लैमिनेशन भी करवा सकते हैं, नहीं है तो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, चौड़ा सेलो टेप आता है, बहुत चौड़ा सेलो टेप आता है, वो सेलो टेप आप उस चार्ट पेपर पे लगा दीजिए। सिंपल है गाइस, कहीं कहीं नहीं जाना है, आप घर पे ही सब कुछ कर सकते हैं। ये लगाइए, उसके बाद आपको एक मार्कर खरीद लेना है, बस मार्कर से ही बच्चे को उसमें लिखवाना है गाइस, कुछ नहीं, बस वही अल्फ़ाबेट मार्कर से भी लिखवाइए, और जो ये जो बच्चों के साथ टॉयज होते हैं ए बी सी डी के, वो उनको रखवाइए। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, ऐसे ही हमें बुलवाने की प्रैक्टिस। नेक्स्ट है गाइस देखिए, अब हमें दो वर्ड बोल के जैसे बच्चों को बताएंगे कैसे पढ़ना है, तो वो एक्टिविटी कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए सामने आपके। ठीक है, एम में ए मिलाएंगे तो क्या होगा, एम में ई मिलाएंगे तो क्या होगा, एम में आई मिलाएंगे तो क्या होगा, ये आपका पूरा वॉवल से ही है रिलेटेड। देखिए ए ई आई ओ यू, इससे आप वॉवल भी सिखा सकते हैं, इससे आप लेटर मिला के भी पढ़ना सिखा सकते हैं बच्चे को। देखिए हर जगह पे आपका ये वॉवल है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही ये आप अपना बना लीजिए और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट अब देखिए वर्ड एडिटिंग, ये भी वैसे ही है गाइस, आप एक अक्षर लिखिए, अब ये सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी क क, अब ये ए एन लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, मतलब जो हम लोग ये इधर हमने लिख दिया है एन एट एन एट, किस में ए एन लगेगा किस में ए टी लगेगा, वो बच्चा यहाँ से रिकग्नाइज करके इधर लिखेगा। ठीक है, ऐसे उनको वर्ड्स का भी ज्ञान हो जाएगा, उनको नॉलेज होगी, तो क्या करना है, ऐसे इधर लिख देना है और उनसे पूछना है। अब यहाँ पे सी है, सी क क्या है, ये कौन सी पिक्चर है, क कैट, अब वो बोलेगा कैट, अगर उसे फोनिक साउंड आ गया है तो वो जट से बता देगा ए टी लगेगा यहाँ पे, कैट एट एट, तो वो लिख लेगा। ठीक है, ऐसे ही ये गेम हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये है, देखिए बी, ये पढ़ाने के लिए है एक्टिविटीज, कैसे आप उनको पढ़ा सकते हैं, कलर बेस ऐसे होगा ना गाइज, तो कलर्ड भी पिक्चर्स देख के बच्चे सीखते हैं, तो कुछ ऐसे बना लेंगे आप अलग अलग कलर्स में लिख के। ठीक है, हाँ ये सी वी सी वर्ड्स गेम, ये भी होता है सी वी सी वर्ड्स, जैसे शॉर्ट ए वर्ड्स, अब ये भी पढ़ना
उनको आना चाहिए। तो ये पहले आप चार्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये हम आपको पढ़ना पूरा फोनिक साउंड बेस पे जो आएगा वीडियो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये पढ़ाना कैसे है बच्चों को। पहले तो हम ऐसे चार्ट्स बना देंगे, क्योंकि आज का वीडियो हम लोगों का है कि हम लोगों को कुछ गेम्स, कुछ चार्ट प्रिपेयर करने हैं, इस वजह से ये पहले ये वीडियो डाला जा रहा है कि आप लोग पहले ऐसे कुछ अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लें, बना लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ें तो हम समझ पाएँ कि हमें ये कैसे करना है, ये वाले चार्ट में हमें कैसे पढ़ाना है। तो पहले हमें कुछ चार्ट, कुछ गेम्स प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए वोकैब गेम, वोकैब व्हील गेम। ये क्या होता है गाइस, हम लोग डाइस गेम खेलते हैं ना, ये उसी तरह है गाइस। आपको कोई भी यहाँ पे 10 वोकैब्स लिख लीजिए। ये आपका थर्माकोल प्लेट आता है, एक थर्माकोल प्लेट ले लीजिए जो साइड से थोड़ी उठी हुई होती है। उसमें आप क्या करेंगे कि चार्ट पेपर से ऐसे पेजेस ये कट करके, ये शेप देखिए यहाँ पे, ये कट करके और आपको लगा देना है उसके ऊपर अलग अलग कलर से लिख के 10 वोकैब लिखिए और वो लगा दीजिए उस पर, टैग कर दीजिए। उसके बाद डाइस लीजिए, बीच में हम लोग रोल करते हैं ना, डाइस को रोल करिए। अब उसके ऊपर देखिए नंबर लिखा हुआ है आपका, वोकैब के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। जो नंबर आएगा उस नंबर से उसको सेंटेंस बनाना है, या कभी बोल दीजिए इस सेंटेंस इसकी मीनिंग बताओ ये क्या होता है, या इस पर सेंटेंस बनाओ, या आप जैसे इस पर बोल सकते हैं कि इस वर्ड से अगर आपने कुछ फ्रूट्स नेम लिख सकते हैं, ये फ्रूट किस कलर का होता है ना, और ये किस सीजन में खाया जाता है, काफ़ी कुछ इसमें आइडिया लगा सकते हैं गाइस। वेजिटेबल लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये वेजिटेबल कौन सी है, किस कलर की होती है, किस सीजन में खाते हैं, आप लाइक करते हैं कि नहीं, आप नहीं लाइक करते तो क्यों नहीं लाइक करते हैं, काफ़ी कुछ उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से। बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ हैं गाइस, अगर आप सब पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे गाइस बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज़ आपको मिलेंगी। आप लोगों का क्या है, हर वीडियो में आप लोग ऐसे करते हैं स्किप करके वीडियोस देख रहे हैं गाइस, वो हमें नोटिफिकेशन मिलती रहती है गाइस कौन वीडियो पूरा देख रहे हैं आप लोग की नहीं। आप लोग हर वीडियो में क्या कर रहे हैं, वीडियो स्किप करते जा रहे हैं, बस देखा हाँ ये है ठीक है हो गया हो गया हो गया, बस आगे बढ़ते चले गए। गाइस ऐसे हम लोगों का कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा वीडियो देखने से तो अच्छा है कि वीडियो ही ना देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, बुरा मत मानिएगा गाइस। आप लोगों को अगर नॉलेज चाहिए थोड़ा सा टाइम निकालिए गाइस, थोड़ा सा टाइम निकालिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको जब टाइम हो आप तब देखिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक हम आपके लिए सर्च करके ला रहे हैं, थोड़ा सा उसमें आप लोग टाइम दीजिए गाइस, देखिए ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत करिए गाइस, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का वोकैब गेम, इसको वोकैब गेम बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स जो भी आप लिखें यहाँ पे, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, या ड्रेसेस की नेम लिख सकते हैं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की ड्रेसेस, बॉयज़ की ड्रेसेस, बहुत अच्छे अच्छे इस तरह के गेम इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये व्हील गेम आप कई तरह से बना सकते हैं, देखिए अब है हमारा, देखिए ये ऐसे आप टैग कर सकते हैं, बी पढ़ा ब, अब ये यू जी मिला के जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो टैग करिए। ये हम लोग जैसे ना पेपर फट जाता है या कभी चार्ट पेपर के टुकड़े बच जाते हैं, चार्ट पेपर के टुकड़े बच जाते हैं तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो ऐसा मत करिए गाइस। हम लोग जैसे ना, हम तो क्या करते हैं, बच्चे की मेरी कॉपी फिल भी कर देता है, तो उसमें जैसे ना बच्चे काउंटिंग लिखते हैं, नीचे की जगह छुट्टी हुई होती है, नीचे की जो पेजेस में जैसे 1 to 10 तक लिखा उन्होंने, तो नीचे का आधा पेज तो उनका फ्री होता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, उसको कट करके या तो उसकी रफ बनवा देती हूँ डायरी में, बहुत अच्छे से बहुत इन्जॉय करके लिखते हैं बच्चे, नहीं होता है तो क्या करती हूँ वो पेजेस रख देती हूँ, ऐसे ही मैं एक्टिविटीज़ बनाती रहती हूँ ताकि मैं जहाँ पे जो पढ़ाती हूँ बच्चों को उनके लिए कुछ बना सकूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं नई नई टेक्निक्स बनाती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ,
अपने घर में जैसे कैलेंडर्स होते हैं ना गाइस, कैलेंडर्स हमें नहीं फेंकने चाहिए। कैलेंडर के पीछे का पेज जो होता है वो होता है प्लेन। कैलेंडर का पीछे का पेज प्लेन होता है गाइस, उसको हम चार्ट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स कुछ भी हम लोग उनसे बना सकते हैं। तो आज से वो सब भी फेंकना आप बंद कर दीजिए, उन सबको भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि वेस्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए। आजकल देख रहे हैं आप लोग, इतना सब कुछ महंगा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एक कागज़ भी वेस्ट करना चाहिए। उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना गाइस, तो क्यों ना करें। चलिए बातें बहुत हो गई, अब हमारा नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं गाइस। देखिए अब है ये, व्हाट कैन आई डू, ऐसे चार्टेस गाइस, ये सब चार्ट्स जो होती है ना बाजार में बनी बनी भी मिलती हैं, लेकिन हमें बाजार से नहीं लेनी है गाइस, बाजार से नहीं लेनी है। हम लोगों को पुरानी बुक से ही पिक्चर्स कट करके लगा देनी है और टैग करके वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। और क्या होगा अगर हम लोग लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, तो बच्चों को भी हम लोग उस पे उसके ऊपर जब हम लोग करवाएंगे स्केच पेन से लिखेंगे वो लोग बच्चे, तो वो सीख जाएंगे, वो भी बच्चे सीखेंगे। जब वो ट्रेसिंग करेंगे ना, लेटर्स के ऊपर ट्रेस करेंगे लिखेंगे, उनकी भी हैबिट हो जाएगी, बोलेंगे भी सीखेंगे भी, स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। ठीक है, ऐसे व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चे से बोलिए फट से। पहले तो बच्चा जो है, एक दो दिन आप पढ़ाएंगे ना, उसके बाद तो कितने एंजॉय से बोलेगा बच्चा, आई कैन स्विम, आई कैन सर्फ, आई कैन डांस, आई कैन गो योगा, आई कैन ड्रॉ, आई, मतलब जो भी वो मतलब देखेंगे पिक्चर और तुरंत बोलने लग जाएंगे गाइस। बहुत इन्जॉय के साथ ये सब एक्टिविटी बच्चे प्ले करते हैं गाइस, मैंने देखा है, मैं ये सब कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग भी ये सब करिए। इससे आपका एक अलग इम्प्रेशन बढ़ेगा गाइस। नेक्स्ट देखिए, बॉडी पार्ट्स या फैमिली नेम हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये आप चार्ट पे ऐसे बना लीजिए, कलर्ड पेपर के चार्ट ले लीजिए, बनाइए। उसके बाद क्या करिए, जो बॉडी पार्ट्स नेम आप लिखेंगे वहाँ पे आप केवल पिक्चर लगाइए किसी भी बुक से, या आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बनाइए। उसके बाद ये नाम मत लिखिए गाइस, आप यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ये आप मत लिखिए, ये आप अलग से छोटे छोटे इतने ऐसे चौकोर चौकोर टैग करके वो पेपर कट कर लीजिए, उस पर लिखिए बड़ा बड़ा करके। उसके बाद जो टैग करने वाला, चिपकाने वाला एक सैलो टेप आता है गाइस, उस पर टैग करने के लिए वो लगाते जाए, बच्चों को दीजिए, ये स्पेलिंग पढ़ो, ये क्या है वो पढ़ेगा, ई वाई ई आई, अब ये आई कहाँ है, वहाँ पे उसको चिपकाओ, बच्चा वहाँ पे उसके सामने वो रख देगा, ये रहेगा, नहीं है टॉयज हैं प्लास्टिक के, बच्चों के बोलिए अब ये क्या है आइज, आइज की स्पेलिंग क्या होती है, तो ऐसे बनाइए, उसके सामने रखिए, चिपकाइए, जो आते हैं मैग्नेटिक चिपकाने के लिए, वो भी आप बोर्ड होते हैं आजकल मैग्नेटिक गेम, उस पर चिपकाइए ना। काफ़ी अच्छी अच्छी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं गाइज, ये सब आप कर सकते हैं। ये आई यू ही शी, ये सब आप नॉलेज करवाने के लिए ही आप ऐसे बना सकते हैं चार्ट पेपर घर पे ही, उनको नॉलेज दिखाइए कि क्या होता है कैसे होता है, ये सब जो आप जैसे आप चार्ट पेपर बना के लगा देंगे उनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे। बुक से आप कभी भी पढ़ाएंगे ना, बुक में इसको ही बोलते हैं, इसको शी बोलते हैं गाइस, हमेशा बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन जब वही चीज़ आप विथ एक्टिविटी करवाएंगे बहुत अच्छे से सीखेंगे गाइस। ठीक है, अब आता है वर्ब्स। वर्ब्स में भी क्या करना है, ऐसे ही हम लोगों को पिक्चर कट कर देनी है और कुछ वर्ब्स लगा देनी है, और वो वर्ब्स उनको जैसे डेली यूज़ की जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो लगाइए, जो रेगुलर बच्चों से बोली जाती हैं वो लगा के, उसके बाद उस पे स्पेलिंग लिख दीजिए बड़ी बड़ी, और वही आप करिए उसमें सेलो टेप लगाइए, या आप उसको करवा सकते हैं लैमिनेट तो करवा लीजिए, और आप मार्कर से उसके ऊपर उनको ड्रॉ करवाइए, तो वो स्पेलिंग भी सीखेंगे और उसकी मीनिंग भी सीख जाएंगे।
कुछ ऐसे बनाना है। अब ये होता है देखिए पज़ल गेम। पज़ल गेम ऐसे बना सकते हैं, चार्ट पेपर पे पहले ऐसे बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, इधर लिखिए इधर भी, उसको फिर सही से काटिए। अगर आप पहले लैमिनेट करवाते हैं तो पूरी चार्ट को पहले लैमिनेट करवा लीजिए, उसके बाद सही से धीरे धीरे उसको काटने वाला वो आता है ना ब्लेड, उससे काटिए उसको। फिर बच्चे को वो बोलिएगा पज़ल गेम खेलो। अब प्ले है ये गेम, ये है पिक्चर दिखाइए, अब इसका वर्ड ढूंढो कहाँ है, तो वो ढूंढ के ये इसके साथ इसको टैग कर देगा कि ये प्ले है, टैग कर देगा। ऐसे हम लोग बाज़ार से लेते हैं गाइस, बहुत महंगे मिलते हैं, हम सब कुछ सेल्फ से बना सकते हैं। हम यही सब आइडिया आपको दे रहे हैं, गुड मैनर्स हैं, कुछ उनको मैनर्स सिखाने हैं, हम ऐसे बना सकते हैं चार्ट, ठीक है ना। नहीं चार्ट पेपर ले रहे हैं हमने बताया आपको, ले लीजिए आप अपना पिछले साल का कैलेंडर, और उसके पीछे थोड़ा पतला है तो दो पेज उसमें स्टिक कर दीजिए, कैलेंडर के दो पेज स्टिक कर दीजिए। नहीं है तो दफ्ती होती है पीछे से, कुछ दफ्ती तरह कुछ ऐसे लगा दीजिए और ऐसे बना के लिखिए। नेक्स्ट देखिए ये स्कूल के लिए बना सकते हैं, कुछ क्लास के रूल्स लिख। नेक्स्ट देखिए जैसे आप ऐसे कुछ क्लास के रूल्स ऐसे लिख के लगा सकते हैं ना, ये हुआ। अब ये देखिए हाउ आर यू, देखिए इससे हाउ आर यू, अब आई एम ऐसे लिखिए और बच्चे से पूछिए आज आप क्या है, ग्रेट, हैप्पी, फाइन, सिक, टायर्ड, बच्चे मिला मिला के सेंटेंस बोलेंगे। डेली जब आप लोग बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं या घर में पढ़ाते हैं, घर में हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं है ना, तो ऐसे सबसे पहले हम लोग को बच्चे से थोड़ा उनको चार्ज करना पड़ता है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो ऐसे जब हम लोग ना उनके साथ एक्टिविटी से ये सब पूछेंगे, बहुत इन्जॉय के साथ बच्चे इसका आंसर देंगे, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही फेस बना बना के बच्चे बताते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ही फेस बना बना के बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है देखिए संडे मंडे, हम लोग वीक्स नेम कैसे लर्न करवा सकते हैं, अभी मैंने बताया आप पैसे बनाइए, उसके बाद जो संडे लिखा हुआ है अलग से बनाइए उसका टैग, और वो स्टिक करने के लिए बच्चों को दीजिए कि पहले क्या आते हैं संडे मंडे, वो भी बच्चे सीखेंगे, प्लस स्पेलिंग भी सीखेंगे, इसके बाद क्या आता है आफ्टर एंड बिफोर उससे वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। एक ऐसे बना लीजिए कि आज क्या है, बच्चे को बोलिए उस पर ये टैग करो टुडे इज, तो वो उस पर टैग करेगा, तो ऐसे भी नॉलेज मिलती है बच्चों को। इसके टू आइडियाज़ हैं, चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही आपका मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सब हम लोग चार्ट पेपर बाहर से लेते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये सब कुछ नहीं करना है गाइस, हम लोग खुद बना सकते हैं। पुरानी बुक्स में होता है ऐसे लिखा हुआ होता है, आप कोई चार्ट पेपर ऊपर से उठाइए, अपना पुराने कैलेंडर ले लीजिए, उसी पे वो पेज चिपका लीजिए, अच्छे से डेकोरेट करके लगा दीजिए, ऐसे आपका क्लास या रूम जो भी कहीं है उसमें आपका डेकोरेट भी लगेगा और बच्चे एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। बुक से पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे आजकल, उनको एक्टिविटीज़ चाहिए, तो ऐसे आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है ये मैंने कैलेंडर बनाया हुआ है, और ये बहुत 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 अच्छा वर्क करता है गाइस। इससे आपका बच्चा देखिए, एक तरफ संडे मंडे लिख लीजिए, एक तरफ मंथ्स नेम, एक तरफ वीक्स नेम, आज कौन सा दिन है वो यहाँ पे टैग करेंगे देखिए है ना, फिर मंथ कौन सा चल रहा है, डेट कौन सी है, हर एक चीज़ को उनको नॉलेज मिलेगी, वेदर कौन सा है, सीज़न कौन सा चल रहा है ना, सभी वेदर्स का यहाँ लगा दीजिए, कभी पढ़ा दीजिए उन लोगों को कि वेदर आजकल कौन सा है ना, उसके बाद आपका सीजन्स कौन सी हैं, ये बहुत वर्क करता है, बहुत अच्छा। ये सब जो संडे मंडे ये सब स्टिकी बनाइएगा गाइस,
कि उसको निकाल के और दूसरी जगह चिपका सके हम। ये लिखने वाला मत करिएगा, ये चिपकाने वाला, बच्चे चिपकाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कलर्स नेम का बना सकते हैं। देखिए अलग से बनाएंगे, उसको टैग करेंगे बच्चे कलर्स का, उनको बताइए ये कौन सा कलर है, स्पेलिंग पढ़िए और उसके पे टैग करिए, उनको बोलिए स्पेलिंग पढ़िए और ये जो स्पेलिंग जिसकी है उसके ऊपर वो लगाते जाइए, उसकी स्पेलिंग चिपकाते जाइए। तो उनको कलर्स का भी नॉलेज होगा, स्पेलिंग का भी नॉलेज होगा। तो आशा करते हैं आज आपको बहुत बहुत आइडियाज़ मिल गई होंगी। ऐसे काफ़ी और भी काफ़ी डाइस गेम्स हैं जो अभी इसमें नहीं हैं गाइस, मैंने बनाए हुए हैं। हम लोग लूडो खेलते हैं ना, मैंने लूडो बनाया हुआ है, वो अलग से वो भी बताऊंगी। काफ़ी सारे वीडियोस हैं, काफ़ी सारी आइडियाज़ हैं जो शेयर करनी है। वो आप जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो में मैंने क्या किया हुआ है, जो काउंटिंग करके आगे बढ़ते जाते हैं 1 2 3, वहाँ पे मैंने ABCD भी लिखी हुई है, एक बनाया हुआ है, एक मैंने बनाया हुआ है छोटा बड़ा का, वो सब अलग से वो फिर वही डाइस के साथ खेलते हैं और 1 2 पढ़ के नहीं जाते हैं। अगर 6 आया उसका डाइस भी अलग से बनाया हुआ है मैंने, वो सब अलग से आपको मैं सेपरेट उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो बताऊंगी, क्योंकि अभी बनाना पॉसिबल नहीं था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी वो भी देख लेंगे। अभी पहले आप इतना वर्क करिए, इतना अपने बच्चों के लिए बनाइए और बच्चों को पढ़ा के देखिए, बहुत इन्जॉय लेंगे गाइस। हम फिर से बोल रहे हैं वीडियो स्किप मत करिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा। और अभी हम जल्द ही एक दूसरी बच्चों के लिए एक हेल्पफुल बुक है जो उनको रीडिंग करने में काफ़ी काफ़ी हेल्प करती है, मैंने भी मंगवाई हुई है वो, मैं जो ट्यूशन बच्चे आते हैं उनको मैं पढ़ाती हूँ, बहुत बहुत अच्छी बुक है, उससे कहें कि उनकी फ्लुएंसी आ रही है, जैसे बहुत अच्छी है। मैं उसको चैप्टर वाइज उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर।